आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम राज्यपाल जी श्री मंगू भाई पटेल जी का हम इस आभासी पटल पर स्वागत करते हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी जी का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इस आभासी पटल पर स्वागत करते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करते हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के मध्य क्षेत्र संयोजक और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक श्री अशोक कड़ेल जी का स्वागत करते हैं। देवेल्या विश्वविद्यालय की कुलपति और आयोजक संस्था के संरक्षक डॉक्टर रेणु जैन मैडम का स्वागत करते हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के डॉक्टर ओम शर्मा जी का स्वागत करते हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के क्षेत्र संयोजक क्षेत्र अध्यक्ष श्री रविंद्र कनारे जी का स्वागत करते हैं। महिला कार्य की राष्ट्रीय संयोजक शोभा पेठनकर जी का स्वागत करते हैं। देवेल्या विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सभी सदस्यों का मान्य सदस्यों का स्वागत करते हैं। देवेश अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग अध्यक्ष जो आज उपस्थित है उन सभी का स्वागत करते हैं और सभी छात्र छात्राएं और अन्य विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं और माननीय कुलाधिपति राज्यपाल जी से अनुमति लेकर हम इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहते हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में वीणा वादनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए महामहिम राज्यपाल जी से अनुमति लेकर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं देवेल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रेणु जैन मैडम को अशोक शर्मा जी को और रजिस्ट्रार अनिल शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि माँ सरस्वती के चरणों में माल्यार्पण कर हमारे इस कार्यक्रम में विधिवत शुरुआत करें। कार्यक्रम संयोजक रेखा आचार्य मैडम भी शारदा
माँ सरस्वती के वंदन के पश्चात कोरोना के इस काल में दूसरी लहर के पश्चात गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम चूंकि ऑनलाइन है लेकिन देवेल्ला विश्वविद्यालय ने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन के साथ अपने कुछ विभागाध्यक्ष और प्रमुख लोगों के साथ ऑफलाइन भी कार्यक्रम किया है। तो यहाँ इस सभागृह में जो साथ में लोग उपस्थित है उन सभी का भी स्वागत करता हूँ। हमने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, प्रदेश गान सुना लेकिन मैंने भी जब पहली बार सुना था तो कुल गीत के नाम से देवेल्ला विश्वविद्यालय ने देवेल्ला विश्वविद्यालय की विशेषताएं और इंदौर शहर संभाग के प्रदेश की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कुलगीत तैयार किया है। बहुत अच्छा कुलगीत है और सभी लोगों से निवेदन है कि कुलगीत के समय सब लोग अपने स्थान पर खड़े रहें, उसका प्रस्तुतिकरण होगा और बाद में तालियां न बजाएं, ऐसा आग्रह है। तन में मन अति पावन योग प्रकृति
अतिथियों का स्वागत हमारी परंपरा है और उनके स्वागत और आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि आभासी पटल पर स्वागत होना है तो आभासी माध्यम से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ देवेंद्र विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर रेणु जैन मैडम को, वो सभी अतिथियों का आभासी माध्यम से स्वागत करेंगे। नमस्कार। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम श्री गंगूभाई पटेल जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री इंद्र सिंह परमार जी, इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय श्री अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली माननीय श्री अशोक कडेर, मध्य क्षेत्र संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं संचालक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के रेक्टर प्रोफेसर अशोक शर्मा जी एवं रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सम्मानीय सदस्य, समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष तथा अन्य शिक्षकगण तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े समस्त प्रबुद्ध आमंत्रित अतिथिगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास मध्य क्षेत्र द्वारा आयोजित आज की ई संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस पावन अवसर पर हमारे आग्रह एवं निवेदन को स्वीकार कर माननीय कुलाधिपति महोदय ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से अभिभूत एवं आह्लादित किया है। इस अनुग्रह हेतु मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोगी मार्गदर्शन में सभी शिक्षण संस्थान शिक्षा अनुसंधान एवं लोक कल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। साथ ही प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री इंद्र सिंह परमार जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम हेतु अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय श्री अतुल कोठारी जी को भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने हेतु हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही सभी अतिथि गणों का मैं फिर से उनकी उपस्थिति इस आभासी पटल पर उपस्थित हेतु हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मिट्टी के एक साधारण से ढेर को घड़े का आकार देने में कुम्हार की जो भूमिका होती है, वही भूमिका राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने में शिक्षण संस्थानों की होती है। देश के एक प्रतिष्ठित एवं महनीय ज्ञानपीठ के रूप में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय लंबे समय से भूमिका सतत निभाता आ रहा है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी महानुभावों के निर्देशन एवं सहयोग से यह विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रकाश को उत्तरोत्तर आलोकित करता जाएगा। आज की ई संगोष्ठी का विषय वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षण संस्थानों की भूमिका अत्यंत प्रासंगिक है, जिसमें शिक्षण संस्थानों द्वारा कोरोना के दौरान तथा कोरोना के बाद भी किए गए तथा किए जाने वाले दायित्वों के आकलन का प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि महामारी से उत्पन्न हुई विकट परिस्थितियों में प्रदेश एवं संपूर्ण राष्ट्र के शिक्षण संस्थानों ने न केवल अपने सामाजिक दायित्व को समझा बल्कि विभिन्न प्रयासों से उसे आगे बढ़कर पूरा भी किया। इसमें तत्कालीन महामहिम राज्यपाल माननीय श्री लालजी टंडन एवं माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की भी मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में महती भूमिका रही। उनकी प्रेरणा से सभी शिक्षक अधिकारी कर्मचारी एवं विद्यार्थीगण ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, जिसमें मास्क सैनिटाइजर दवाई भोजन वितरण तो है ही, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर तथा अस्पतालों में अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे लोगों की सहायता भी सम्मिलित है। साथ ही उनके द्वारा प्रदेश में चलाए गए संपूर्ण एवं 100% टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इसी कड़ी में हमारे यहाँ आज एक और शिविर आयोजित है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी 100% हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो जाए। कोरोना के दौरान जब पूरी शिक्षण व्यवस्था लगभग बंद हो गई थी, तो इन शिक्षण संस्थानों ने अपनी रणनीति बनाकर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया और अध्ययन अध्यापन को सुचारू रूप से संचालित किया। साथ ही छात्रों को पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री पीपीटी पीडीएफ लेक्चर्स इत्यादि के माध्यम से उपलब्ध करवाई। कोरोना काल में भी केवल शिक्षण संस्थान ही ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग शिक्षण से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए किया, जिसमें वेब सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस गेस्ट लेक्चर्स
तथा परीक्षाओं का आयोजन, जन जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं इत्यादि शामिल हैं। कोरोना काल में शिक्षण जगत ने आपदा में अवसर खोजते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचारों को भी जन्म दिया। विशेषकर जो शिक्षक इंटरनेट तथा डिजिटल माध्यमों का उपयोग पहले नहीं कर पाते थे, उन्होंने भी इन्हें सीखा और अपने कौशल और शिक्षण कार्य के तरीके को नए आयाम दिए। ये एक सुखद आश्चर्य है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले से ही ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसकी उपयोगिता महामारी COVID-19 के दौरान चहुंओर महसूस की जा रही है। कोरोना काल ने दूरस्थ शिक्षा तथा किसी भी समय शिक्षा के महत्व को सिद्ध किया है। समय के साथ अब शिक्षण संस्थान भी परिपक्व और परिवर्तनशील हो चुके हैं। ऑनलाइन शिक्षा आज की महती आवश्यकता बनती जा रही है। इस संदर्भ में भी ये संगोष्ठी और अधिक समसामयिक दिखाई देती है। देवी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास मध्य क्षेत्र के साथ मिलकर आज ये जो आयोजन किया जा रहा है, वह शिक्षा जगत को एक नई उम्मीद और दृष्टि देगा। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। धन्यवाद सुनील जी। जैसा कि हमारा विषय है, कोरोना की दूसरी लहर में जब देश के अधिकांश लोग घरों में बंद थे, जब एक ओर देवदूत अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर समाज सेवी देवदूत के रूप में घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, अस्पताल अस्पताल जाकर उन पीड़ित लोगों को और पीड़ित परिवारों के साथ जो सहयोग कर रहे थे, उस विषय का जो चयन हमने किया है शिक्षा संकेत उत्थान न्यास और देवीला विश्वविद्यालय के साथ, इस विषय का चयन, प्रस्तावना, क्या भूमिका रही, इन सब प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के क्षेत्रीय संयोजक और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक श्री अशोक कड़ेल जी को आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए। अशोक जी, भाई साहब, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास मध्य क्षेत्र और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों के इस क्षेत्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी, जिसका विषय वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका है, इस विषय पर आयोजित है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल कुलाधिपति आदरणीय मंगू भाई छगन भाई पटेल साहब, मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विशिष्ट अतिथि श्री इंदर सिंह जी परमार, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रेणु जैन, कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, आदरणीय अतुल कोठारी जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास के राष्ट्रीय सचिव नई दिल्ली, मध्य क्षेत्र के सह संयोजक श्री ओम शर्मा जी, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, न्यास के सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षक प्राध्यापक, विद्यार्थी साथियों, विद्वान जनों, सभी को सादर नमस्कार। शिक्षा से विद्यार्थियों का जीवन संवरता है और निखरता है तो देश का प्रत्येक क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर होता है। इसलिए न्यास का यह मानना है कि देश बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा, क्योंकि शिक्षा बदलेगी तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा और शिक्षा में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रावधान होगा, इस बात को उसमें समावेश किया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षण संस्थाओं से निकलने वाले विद्यार्थी न केवल ज्ञानवान होंगे, न केवल परिवार के लिए उपयोगी होंगे, वरन समाज और देश में भी जो है वह अपनी महती भूमिका निभाने में सफल होंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लगभग एक वर्ष हो चुका है। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई थी और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राचीन ज्ञान परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का समन्वय करते हुए किस प्रकार से विद्यार्थियों को और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों, विद्यार्थियों को उनके समग्र विकास में यह शिक्षा नीति और सफल हो सके, ऐसे कई बातों का प्रावधान मातृभाषा में शिक्षा को महत्व देते हुए यह किया गया है। इसलिए यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें आमूलचूल परिवर्तन की संभावनाओं के साथ यह देश में सामने आई है। कोरोना महामारी का प्रकोप जब विश्व के साथ साथ भारत में भी फैला तो प्रथम दौर और बाद में द्वितीय दौर में भी शासन प्रशासन के साथ हजारों नागरिकों के साथ सामाजिक संस्थाओं व शिक्षण संस्थाओं ने सेवा कार्य करने में और अपने आप को आगे रखा और इन सब कार्यों में एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आई, क्योंकि हमने आज से लगभग 1.5 माह पूर्व शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास में के राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसी विषय पर एक ई संगोष्ठी की थी और जिसमें यह ध्यान में आया था कि देश भर में बहुत बड़ी संख्या में जो है विश्वविद्यालय महाविद्यालय विद्यालय इन लोगों ने और सेवा कार्य किए, तो उसी को ध्यान में रख करके आज का यह जो आयोजन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों के जो है और शिक्षण संस्थाएं तो बहुत थी जिन्होंने कार्य किए हैं, सेवा कार्य किए हैं कोरोना काल में, उसमें से आज के इस कार्यक्रम में लगभग 20 और संस्थाएं प्रमुख संस्थाएं उनका PPT के माध्यम से उनके कार्यों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। उन संस्थाओं में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, झाबुआ की शारदा शिक्षण समिति, सागर की स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर, मेकलसुता महाविद्यालय डिंडोरी, छत्तीसगढ़ पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली जैसी अनेक संस्थाएं आज पावर पॉइंट के माध्यम से संक्षेप में जो है और उन्होंने जो कार्य किए हैं सेवा कार्य किए हैं उसका प्रेजेंटेशन यहाँ हम सबके बीच में द्वितीय सत्र में देने वाले हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय या समाज में सुख दुख के साथी होना चाहिए और वास्तव में इस कोरोना की चुनौती को अवसर में इन सभी शिक्षण संस्थाओं ने बदला है और जागरूकता के साथ साथ समाज चेतना के केंद्र के रूप में शिक्षण संस्थाएं सामने आई है। जब हमने इस बात की जानकारी ली कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं तो बहुत बड़ी संख्या में जो है ऐसी शिक्षण संस्थाएं सामने आई थी कि जिन्होंने कोरोना महामारी के समय में और काफ़ी बड़ी मात्रा में जैसी अपनी क्षमता थी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो है उन्होंने वहाँ के प्राध्यापकों ने वहाँ के प्राचार्य ने वहाँ के अधिकारियों ने जो है मिल करके जितना कार्य हो सकता था वह समाज के दुख को बांटने का काम समाज के दुख को कम करने के कार्य जो है वह अपने गतिविधियों के माध्यम से किए, जिसका हमारे सामने जो है इसकी जानकारी आने वाली है। आज के इस कार्यक्रम में मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्यपाल जी महोदय, दोनों शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्य वक्ता महोदय एवं सभी उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी भाई साहब। आज के हमारे इस कार्यक्रम में
महामहिम राज्यपाल जी, दोनों शिक्षा मंत्री जी अतुल जी कोठारी जी और कई अतिथि उपस्थित हैं। मैं सभी के परिचय के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रांत सह संयोजक श्री धीरेन भदौरिया जी को आमंत्रित करता हूँ। धीरेन जी, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि इस गरिमामयी कार्यक्रम में हमें मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। वे आज के इस आयोजन की अध्यक्ष की आसंदी पर सुशोभित हो हमें गौरव प्रदान कर रहे हैं। आपका परिचय इस प्रकार है। श्री मंगू भाई छगनलाल जी पटेल गुजरात के भारतीय जनता पार्टी नेता रहे हैं। इन्होंने 2014 में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। इससे पहले आप वन एवं पर्यावरण कैबिनेट मंत्री के रूप में गुजरात सरकार में कार्य कर चुके हैं। आप अब मध्य प्रदेश के 19वें माननीय राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप 77 वर्ष के हैं। आपका व्यक्तित्व व कृतित्व आज भी युवा है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री तक कर चुके हैं। आप प्रतिभा के धनी हैं। दो पर समान अधिकार है। 2013 से विधानसभा सदस्य के रूप में उज्जैन दक्षिण का आप श्री इंदल सिंह जी परमार स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, साथ ही स्वतंत्र प्रभार, साथ ही आपके पास मध्य प्रदेश शासन का सामान्य प्रशासन का भी विभाग है, सामान्य प्रशासन का भी दायित्व है। आप भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पाठशाला के छात्र रहे हैं। पूर्व में आप काला पीपल विधानसभा को का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में आप सुजालपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता हैं श्री अतुल जी कोठारी। आप सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हैं। आप शिक्षा बचाओ आंदोलन व शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दोनों के संस्थापक सदस्य हैं। आप देश की शिक्षा आप के नए विकल्प हेतु संकल्पबद्ध हैं। यही शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का भी उद्देश्य है। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा, यह आपका मूल मंत्र है। इस हेतु समस्या नहीं समाधान की चर्चा करें। माँ मातृभूमि एवं मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता, इस हेतु आप देशव्यापी प्रवास कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि न्यास के अधिकांश विषयों को नई शिक्षा नीति में शामिल कर लिया गया है। कार्यक्रम की मुख्य संरक्षिका हैं डॉक्टर रेणु जैन, कुलाधिपति देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। आपने अपने जीवन की शुरुआत विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर से सहायक अध्यापक के रूप में शुरू की। उसके बाद आप जीवाजी विश्वविद्यालय में गणित विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं। आपकी वैदिक गणित में विशेष रुचि रही है और न्यास के कार्यक्रमों में आप हमारा मार्गदर्शन करती रही हैं। हमारे संरक्षक हैं श्री अशोक कड़ेल जी, मध्य भारत क्षेत्र संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास व संचालक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। श्री ओम जी शर्मा, ईसी मेंबर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर तथा व क्षेत्र सह संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान मध्य क्षेत्र हैं तथा झाबुआ प्रतिमान केंद्र के संचालक हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धीरेन जी। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास विभिन्न आयामों और विषयों पर, ऐसे 16 आयाम और विषय पर पूरे देश में कार्य कर रहा है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में कार्य है प्रदेश में। देश में कई प्रतिमान केंद्र हैं, लेकिन उन प्रतिमान केंद्रों में मध्य क्षेत्र में चयनित 2 प्रतिमान केंद्रों का आज पीपीटी के माध्यम से उनके द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उसके पश्चात किए गए सेवा कार्यों का प्रस्तुतिकरण होना है। तो ऐसे शारदा समूह झाबुआ के प्रतिवेदन के लिए शारदा समूह के संचालक ओम शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के क्षेत्र सह संयोजक है। वो पीपीटी के माध्यम से सेवा कार्य जो किए गए हैं। श्री ओम शर्मा जी,
नमस्कार। आज के कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का यह आयोजन है। इस आयोजन में महामहिम राज्यपाल माननीय छगन जी पटेल, मंगू भाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन जी, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह जी परमार, न्यास के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अतुल कोठारी जी, हमारे क्षेत्र के संयोजक अशोक जी कड़ेल और इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इन अतिथियों के बीच हम यहाँ कोरोना काल में जितनी शिक्षण संस्थान है उन्होंने जो काम किया है उसका यहाँ प्रस्तुतिकरण हो रहा है। झाबुआ के संबंध संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि झाबुआ को ये गौरव प्राप्त है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने अपने कार्य का शुभारंभ झाबुआ से किया और जनजाति बाहुल्य जिले से किया। साथ ही गर्व की बात है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आत्मनिर्भर झाबुआ, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इस थीम के आधार पर झाबुआ का चयन किया। आज के इस कार्यक्रम में शारदा समूह की तरफ से जो कोरोना काल में कार्य किए गए हैं उसके बारे में आपको अवगत करा रहा हूँ। सबसे पहले आचार्य होता है, आचार्य अपने आचरण से सिखाता है। हमारे संस्थान के जितने आचार्य हैं वो जैसा अतुल जी कहते हैं कि कहने के पहले हमको स्वयं को करना चाहिए, तो हमारे आचार्य स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं। उन्होंने गांव को गोद लिया और अपने स्वयं के अल्प साधन से सामग्री एकत्र कर कोरोना काल में घर घर जाकर बांटी। कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों का जब उनका अंतिम माह चल रहा था और उनके विदाई कार्यक्रम हो रहा था, छात्रों ने तय किया पूरी राशि एकत्र करने के बाद कोई विद्यालय में बैठ करते कोई सामग्री लाकर देते विद्यालय को। उन्होंने गरीब घरों में जाकर और सामग्री को कच्ची सामग्री एकत्र कर प्रत्येक घरों में जाकर वितरित की। साथ ही अगले शिक्षकों ने अपने स्वयं के घरों में ऐसे कौशल का एक केंद्र स्थापित किया और वहां से बच्चों को सिखाना प्रारंभ किया। गत साल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन झाबुआ में आत्मनिर्भर झाबुआ इस परिकल्पना के लिए 7 दिवसीय परंपरागत व्यवसाय करने वाले ऐसे व्यवसायों को बुलाया और उनके साथ हमारे विद्यार्थियों को जोड़ा जिनके मन में अपने परंपरागत व्यवसाय के प्रति कोई ऐसी भावना ना हो, गर्व का भाव हो, ये पैदा करने के लिए हमने 7 दिन का एक प्रशिक्षण वर्ग रखा और उसके बाद एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। माननीय स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री वहां पर पधारे थे, इंदर सिंह जी परमार, और पूरा आयोजन वहां हुआ था। उसके पश्चात उन लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार में हमने समाहित किया उन विद्यार्थियों को। साथ ही एक नियमित संस्कार केंद्र का हम संचालन कोरोना काल में भी करते रहे हमारे शिक्षक स्वयं। उसके आगे जब सरकार ने तय किया कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और उसके लिए दुकानदार, बैंक, ऑफिस, यहाँ सब व्यवस्थाएं होना चाहिए, झाबुआ जिले में हमारे शिक्षण संस्थाओं ने अलग अलग जाकर दुकानों के आगे, ऑफिस के आगे गोले बनाए और इस कार्यक्रम में वहाँ के कलेक्टर, SP और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहे। इस तरह से जागरूकता अभियान चलाकर कार्य प्रारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण, ये हमारे वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज चलता है, वहाँ के विद्यार्थियों ने तय किया कि हम आसपास के गांवों में जाएंगे, कोरोना काल में लोगों को जन जागरूकता अभियान फैलाएंगे। लगभग 5,000 घरों में वो लोग संपर्क करने गए। 7 दिवसीय एक अभियान था, उसके अंतर्गत वहां जाकर जन जागरण किया और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करके उत्साहवर्धन करवाया। साथ ही घरों में जा जाके उन लोगों को मोटिवेट भी किया और उस वक्त स्लॉट बुक होते थे उनमें उनका रजिस्ट्रेशन कराने में मदद की। कोरोना मरीज हमारा एक अस्पताल संचालित होता है, वहाँ उस अस्पताल के अंदर नर्सिंग छात्राओं को हमने लिया और एक वार्ड कोरोना कोविड वार्ड, उस वार्ड का संपूर्ण संचालन विद्यार्थियों द्वारा किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस तरह का आह्वान किया था, उसके पूर्व ही यहाँ के छात्रों ने उस काम को प्रारंभ किया और हमारे संचालक और शिक्षक उन मरीजों की सेवा करते हुए केवल मास्क और हाथ में हैंड ग्लव्स पहनकर पूरे परिसर में मरीजों का उत्साहवर्धन गीत और संगीत और भजन के माध्यम से करते थे। उसका परिणाम ये रहा कि मरीज बहुत जल्दी ठीक होकर वहां से निकले। स्वास्थ्य चेतना अभियान, जैसा कहते हैं कि घर पे यदि छोटा बच्चा
घर पे कुछ जीत करता है तो घर के लोग उसका पालन करते हैं। हमने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने हमारे बच्चों से आग्रह किया, नर्सरी से लगाकर 12वीं तक के बच्चों ने अपने परिवार का टीकाकरण होना चाहिए, यह जीत थानी। और लगभग 3000 लोगों को जानकारी एकत्रित की और साथ में उनका पंजीयन भी, वहां जाकर हमारे बच्चे जो इसको एक्सपर्ट थे उन बच्चों ने घरों में उनका जाकर स्लॉट बुक कराना, उनको उसके लिए प्रेरित करना और टीकाकरण केंद्रों तक ले जाकर उनका टीकाकरण करवाना, इस तरह का अभियान किया। और इस पूरी जागरूकता अभियान का परिणाम यह रहा कि 18 वर्ष से अधिक वर्ष के युवाओं को जब टीकाकरण की बात आई तो टीकाकरण के पश्चात लोग रक्तदान नहीं कर पाएंगे लगभग 3 महीने तक। ये जब बात विद्यार्थियों को पता लगी तो शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों ने भी रक्तदान का प्रण लिया। 3 स्थानों पर लगभग 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया और स्थिति यह रही कि जिला चिकित्सालय ने कहा जब आवश्यकता लगेगी आप रक्त देना, इसके अधिक हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं। इस तरह लगभग 1500 विद्यार्थियों ने उसका पंजीयन करवाया। नर्सिंग छात्रों ने गाँव में जाकर मेडिकल किट का वितरण कोरोना के समय और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी वहां जाकर गांव में जाकर किया। जिन गांव के अंदर सरकारी सेवाएं पहुंच नहीं पाती उन गांव तक भी हमारे विद्यार्थी वहां जाकर हमारे बस से जाकर उन लोगों ने अभियान किया। इस कोरोना को अवसर में बदलने के लिए हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा प्रण लिया और जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थी जब घर में बैठे हैं और उनके पास न साधन है न सुविधा है तो शिक्षकों ने तय किया कि वो यहाँ नहीं आ सकते तो हम विद्यार्थियों के पास जा सकते हैं। तो गांव के फलियों में और मोहल्लों में जाकर मोहल्ला क्लासेस लगाई और वो आज भी चल रही है। उसका परिणाम ये रहा कि सिर्फ हमारे संस्था के जुड़े विद्यार्थी नहीं, आसपास के विद्यार्थी भी, अन्य विद्यालय के विद्यार्थी भी वहाँ आने लग गए। और अभी स्थिति यह है कि हमारे शिक्षकों ने तय किया कि लगभग हम 1000 बच्चों को निःशुल्क हमारे विद्यालय में जब क्लासेस प्रारंभ होगी तो उनको हम दर्ज कराएंगे और उनको हम शिक्षा देंगे। इस प्रकार शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की प्रेरणा से यहाँ कार्य किए जा रहे हैं। धन्यवाद। राजेश जी म्यूट है, म्यूट है। दूसरा प्रतिमान केंद्र है सागर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, जिसमें कोरोना की अवधि में उसके पश्चात बहुत सेवा कार्य किए गए हैं। खास निवेदन है जो प्रस्तुतिकर्ताओं से कि 5 मिनट में अपना प्रस्तुतिकरण पूर्ण करें। तो मैं स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर के प्रतिवेदन के लिए कुलाधिपति श्री अजय तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। श्री अजय तिवारी, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। आज के क्षेत्रीय संगोष्ठी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के माध्यम से आयोजित हो रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय जी, हमारे कुलाध्यक्ष भी हैं, माननीय यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव, हमारे मार्गदर्शक संरक्षक माननीय अतुल जी भाई साहब, मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार जी, हमारे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के क्षेत्रीय संयोजक माननीय अशोक कंडेल जी, साथ ही डायरेक्टर हिंदी ग्रंथ अकेडमी के संचालक भी माननीय रेणु जैन जी, कुलपति देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी विद्वान जन। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर मात्र शिक्षा का केंद्र ना होकर समाज को जागरूक करना, समाज की सेवा करना, समाज से कुरीतियों के निवारण हेतु हम लोग पूरा 5000 किलोमीटर की ज्ञान जितना यात्राएं साल में निकालते हैं, शासन की अन्य योजनाओं में सहभागिता भी करना, उनको सहयोग करना, व्यक्ति का निर्माण, समाज का कल्याण, राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। विश्वविद्यालय का ये मानना है कि विश्वविद्यालय कोई
बाउंड्री वाले या सीमाओं के अंतर्गत काम ना करना चाहिए, क्लास के भीतर तक काम ना करके, हमारे अतुल जी भाई सब कहते हैं कि समाज के भीतर जाना चाहिए, समाज और शिक्षण संस्थाओं की आपस में एक संबंध होना चाहिए, आपस में एक सहकारिता होना चाहिए। इसी के संदर्भ में शिक्षा संस्थान न्यास से हम लोगों ने गठजोड़ किया हुआ। उस गठजोड़ में हम लोगों को हमेशा साप्ताहिक तो ही माननीय अतुल जी भाई साहब का निर्देशन हम लोगों को मिलता रहता है और शिक्षा संस्कृत न्यास की कई आयामों पर काम कर रहा है। 5-6 आयामों पर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। साहित्य चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए हम लोग राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र और आवासीय व्यवस्था के लिए केंद्र भी हम लोग इसको विकसित कर रहे हैं और हम लोग शासन के शिक्षकों को, निजी संस्थान शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकों को महाविद्यालयीन स्तर, विद्यालयीन स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर भी कार्यशालाएं आयोजित इस पर करते रहते हैं, चरित्र निर्माण एवं समग्र व्यक्तित्व विकास के। हम लोग बहुत सारा इस पर काम कर रहे हैं, सेवा के भी काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण के रूप के भी काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत पर भी हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं वो अभी दिखा नहीं सकते हैं। महाकौशल क्षेत्र में हम लोग जबलपुर का जो विश्वविद्यालय है हमारा, रानी दुर्गावती कपिल देव जी भाई साहब के साथ मिलकर हम लोग इस पर भी बहुत से काम कर रहे हैं। परंतु आज जो सेवा कार्य के संबंध में जो हम लोग को छोटा सा काम है, छोटा सा ही काम रख रहे हैं और प्रयास करूंगा कि मैं 3 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर सकूं। अजय जी बोलते जाइए साथ साथ। जी भाई साहब, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना महामारी के समय में सेवा कार्य किए गए। सेवा कार्य के लिए इस वर्ष कोरोना महामारी जो दूसरी लहर आई थी, इस लहर में संक्रमण बहुत तेजी से फैला। जैसे ही हम लोगों को ज्ञात थी कि जैसे मौसम में गर्मी हुई, तापमान बढ़ा था, तो लगभग 15 से 30 मार्च तक तेजी से संक्रमण फैल गया था। उसी समय विश्वविद्यालय की दुखद स्थिति भी हुई। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय उस समय संक्रमित हो गए, उनका ट्रीटमेंट कराया, परंतु दुखद घटना हुई, स्वर्गवास हो गए। उसी समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसी स्थिति पे हम लोगों को हॉस्पिटल के लिए भी सहयोग करना चाहिए। बेड हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे थे, हम लोगों के विश्वविद्यालय के भीतर हम लोगों का हॉस्पिटल भी है, तो उसके 40 बेड हम लोगों ने प्राइवेट जो विश्व हॉस्पिटल था उसको तुरंत डोनेट किए उसके लिए, और वहाँ उनको व्यवस्था है। हॉस्पिटल में 100 बेड उनको दिए, गद्दा तकिए सभी दिए, IV स्टैंड दिए, और वहां पर बेड की व्यवस्था करके उस हॉस्पिटल से हम लोगों ने टाई अप कर लिया। टाई अप करने के बाद हमारे विश्वविद्यालय का भी जो हॉस्पिटल था वहाँ के जो डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर थे, वो आ गए। ऑक्सीजन की जो कमी हुई तो ऑक्सीजन के हम लोगों ने सिलेंडर खरीद लिए, लगभग 2 लाख रुपए के हम लोगों ने सिलेंडर खरीद के ऑक्सीजन के, और वो वितरण भी निःशुल्क वितरण कर दिया। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी खरीदा और एक डॉक्टर के पास हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन किया उनके साथ, और जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी घर पर थे जो, वहाँ उनको ये ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर वहाँ पर उपलब्ध ऐसे कराएगा। 130 बेड का हम लोगों का हॉस्पिटल है, कलेक्टर साहब ने वो 130 बेड का हम लोगों का हॉस्पिटल शासन के साथ अटैच कर लिया, और उसमें हम लोगों ने 50 बेड की क्षमता भी वृद्धि कर ली। पत्र भी कलेक्टर साहब का लगा हुआ है, और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने दिया था, अभी भी हम लोगों के जून तक उसमें पेशेंट उसमें भर्ती रहे। ये हम लोगों का हॉस्पिटल है, इस शासन को हम लोगों ने डेडिकेट कर दिया। हमारे पास एक एम्बुलेंस भी थी, तो एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही थी, ये निःशुल्क एम्बुलेंस जिसमें ऑक्सीजन की फिटिंग थी और सिलेंडर थे, तो इसमें भी कम से कम 50 लोगों को हम लोगों ने घर से लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। नर्सिंग कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज से हम लोगों के बच्चे थे 50 बच्चे के लगभग, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को भी दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए, अपने पास भी दिए, तो ये हम लोगों ने वहाँ हमारे ट्रेंड जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट थे वहाँ सेवा कार्य करने के लिए। हम लोगों ने राशन का वितरण भी कराया हॉस्पिटल के बाहर, हम लोगों ने पंडाल लगाए, और जो उनके जो संबंधी आते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय, भोजन की बहुत सी दिक्कत थी, तो उन्होंने निःशुल्क भोजन हम लोगों ने कराया 2 महीने तक। जरूरतमंदों को सूखा राशन भी दिया। सरकार द्वारा हम लोगों ने सूरज जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मेडिसिन निश्चित हो जाए, तो इसका पत्र भी जारी हुआ था। तो इस पत्र के साथ ही हम लोगों ने एक हॉस्पिटल डॉक्टर्स की एक टीम बनाई थी,
उस टीम के साथ जो भी इसमें कोरोना की किट और दवाइयां थी, तो लॉकडाउन के कारण जिनको नहीं मिल पा रही थी, और ऐसे भी लोग थे कि घर के 6 लोग संक्रमित हो गए, कोई दवाइयां लाने के लिए नहीं था, तो डॉक्टर की टीम उनके पास भेजी और कोरोना किट के नाम से हम लोगों ने ये दवाइयां भी निःशुल्क वितरण पूरे शहर पर कराई। प्रिस्क्रिप्ट डॉक्टर्स के साथ भी हम लोगों ने एक किट उपलब्ध कराई। ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत थी, ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन का जो यूनिट थी वो हम लोगों ने स्थापित की और अपने हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की यूनिट लगाई। कलेक्टर साहब ने आग्रह की कि आप लोग ऑक्सीजन का पूरा यूनिट लगा लें, तो हम लोगों ने यूनिट भी स्थापित कर ली और हम लोगों के पास सैनिटाइजर के लिए भी व्यवस्था है। संक्षिप्त में काम बहुत अधिक किया, समय बहुत कम है, और इतना कह के ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद अजय तिवारी जी। ऐसे समय में जबकि लोग अपने परिवार के सदस्यों में की कोरोना से मृत्यु के बाद उनको हाथ लगाने में डरते थे, ऐसी स्थिति में सागर केंद्र द्वारा दूसरे जो समाज के सदस्य उनका अंतिम संस्कार किया गया, ऐसे बहुत सारे कार्यों के लिए आपका विश्वविद्यालय अभिनंदन का पात्र है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में जो संपूर्ण भारत में परिवर्तन के मशाल लेकर चलने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में जिनकी अहम भूमिका है, ऐसे हमारे शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में। अतुल जी भाई, म्यूट है। आज की इस आवासीय संगोष्ठी के अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री बंगूभाई पटेल जी, उच्च शिक्षा मंत्री मित्र मोहन यादव जी, इंद्र सिंह परमार जी, सन्मान्य कुलपति डॉक्टर रेणु जैन जी, तथा इस संगोष्ठी में प्रतिभागिता कर रहे सभी विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य बंधुओं बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों, माननीय राज्यपाल मंगूभाई जी का परिचय जो आप लोगों ने दिया, इसमें एक वाक्य में जोड़ना चाहता हूं। परिचय राजनीतिक परिचय तो हो गया, पर लेकिन मंगूभाई पटेल जी एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में बहुत सामाजिक दृष्टि से काम किया है। मूल काम तो उन्होंने यही किया था, बाद में वो राजनीति में आए थे। तो ऐसे एक श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता की भी मंगूभाई की एक विशेष पहचान है। आज का विषय जो हमारा है कि वर्तमान परिस्थिति में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। दो प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहली भूमिका है कि जो ये कोरोना की महामारी चल रही है उस संदर्भ में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका, जिसका निवेदन हमने अभी दो निवेदन सुने, उसको समय कम मिला तो मैं आयोजक से प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन मैं बीच में फिर नहीं बोला कि हम लोगों का वक्तव्य कम रखकर उनको बोलने देना ज्यादा उपयोगी होता, क्योंकि वास्तविक काम उन लोगों ने किया है। दूसरा बात है कि जब कोरोना काल ही चल रहा था, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, देश को एक आह्वान किया था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में हम सब योगदान दें। ये दो महत्वपूर्ण भूमिका तात्कालिक आज के संदर्भ में और बहुत लंबे समय के लिए देश के लिए बहुत आवश्यक है। मैं लगभग समझिए कि 45-50 साल से सुन रहा था भाषणों में, व्याख्यानों में, कि हमारे शैक्षिक संस्थान टापू नहीं होने चाहिए,
क्योंकि थे, इसलिए लगातार लोग भाषणों में बोलते थे नहीं होना चाहिए। और मैं भी पिछले 35-40 वर्षों से भाषणों में बोलता था कई बार, लेकिन इस कोरोना महामारी में पिछले 1.5 साल में जो शारदा समूह और विवेकानंद विश्वविद्यालय जैसे सैकड़ों संस्थानों ने जो काम किया है, तो आगे के भाषणों में वक्तव्य में उस शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, कि हमारे शैक्षिक संस्थानों ने वास्तव में समाज के सुख दुख में सहभागिता करते हुए समाज को दिशा मार्गदर्शन देने में बहुत बड़ी महत्व की भूमिका निभाई है। जब पहले कोरोना महामारी प्रारंभ हुई तो हमने गत अप्रैल माह से ही 2020 से काम शुरू कर दिया था, और मैंने देश भर के सैकड़ों शैक्षिक संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को, विभिन्न केंद्रीय संस्थानों को, सबको पत्र लिखा था। बाद में द्वितीय लहर में भी मैंने सभी को पत्र लिखा था। और मुझे इस बात का आनंद है कि देश में सैकड़ों संस्थाओं ने, गिनती करना मुश्किल है अभी, लेकिन बहुत कार्य किया। इसमें दो प्रकार की भूमिका का कोरोना महामारी में निर्वाह किया शैक्षिक संस्थानों ने। एक सामाजिक दृष्टिकोण से, जिसका विस्तृत वर्णन हो गया इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, और दूसरा शैक्षिक दृष्टि से, जिसकी बात भी दोनों निवेदनों में आई है कि बच्चे क्लासरूम में, कक्षाओं में, विद्यालय में नहीं आ सकते तो जनजातीय क्षेत्र में शारदा समूह के शिक्षक गांव गांव तक बच्चों को पढ़ाने गए। ऑनलाइन हमने प्रयोग किए सारे। तो ये शैक्षिक और सामाजिक दोनों दृष्टि की भूमिका का भली भांति निर्वहन किया है, और मैं शारदा समूह, केशव विद्यापीठ और विवेकानंद विश्वविद्यालय जैसे अन्य संस्थान जिन जिन्होंने काम किया इस दिशा में, उन सबको शिक्षा सशक्त उत्थान न्यास और आप सबकी ओर बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ। क्यों, मैं तो प्रत्यक्ष दर्शी हूँ, मैं प्रत्यक्ष काम में सहभागी हूँ कि शारदा समूह ने और विवेकानंद विश्वविद्यालय ने पिछले 1.5 साल में पीछे मुड़कर नहीं दिया, लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि इन्होंने कोरोना की भी चिंता नहीं की, न अपने परिवार की चिंता की, न स्वयं की चिंता की। अजय तिवारी जी और इनके छोटे भाई अनिल तिवारी जी दोनों कोरोना महामारी से प्रभावित हो गए थे, लेकिन फिर भी काम करते रहे। मजदूर आ रहे थे तो उनके लिए रोड पर जाकर भोजन देना से आदि आदि काम। ओम जी और उनकी श्रीमती जी, हमारी बहन किरण जी, कि कोरोना महामारी का जो बोर्ड बनाया था उसमें जाकर वो स्वयं गीत गा रहे थे और भजन गा रहे थे और उनको आनंद प्रमोद में रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने चिंता नहीं की कि हमारा क्या होगा वहां जाकर। तो इस प्रकार की श्रेष्ठ भूमिका का निर्वहन अनेक शैक्षिक संस्थानों ने किया है। मैं माननीय राज्यपाल जी को प्रार्थना करूंगा कि हर संस्था ने अलग अलग प्रकार के कार्य किया होगा, तो शेयरिंग और केयरिंग दोनों फिर हो जाएगा कि एक दूसरे के अच्छे अनुभवों को हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने अपने शैक्षिक संस्थानों में। और साथ साथ आप जिन शैक्षिक संस्थानों ने ये जो श्रेष्ठ कार्य किया है, इससे प्रेरणा लेकर राज्य के अन्य शैक्षिक संस्थान भी इस दिशा में अपना योगदान देने के लिए आगे आए। इस दिशा में हमने प्रयास करना है आगे के दिनों में। और इसी के साथ साथ जो जुड़ा हुआ आत्मनिर्भर भारत विषय है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो हम लोगों ने विचार, तो ये दोनों विषय को अलग नहीं है।